से बोलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ और आप भी सही होंगे। आज मैं केक बना रही हूँ अपनी चाची के लिए। कल मेरी चाची का बर्थडे है और आज केक बना रही हूँ। आज 12 बजे काटेंगे। मैं केक नहीं, मेरे साथ में चाची भी केक बना रही है, बताएंगी वो बस और मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा इतना चाची हमारे कुछ करती है, तीनों टाइम का खाना बनाती है। और आप लोगों ने देखा होगा चाची के चैनल में, मेरी बुआ का भी बर्थडे बना था और अब चाची का बर्थडे है, तो सोचा मैं केक बना दूँ चाची के लिए। आइए अब शुरू करते हैं हम केक। इसके लिए हमने लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं। ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का डब्बा है लेकिन मैंने उसमें सोडा रखा है। और ये है बेकिंग पाउडर, मुझे दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये लिया है मैंने एसेंस, वेनिला एसेंस है। आप चाहे तो कोई भी एसेंस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर। और ये मैंने लिया है आधा कटोरी चीनी, आधा कटोरी चीनी, एक कटोरी मैदा। और जो मैंने मेज़रमेंट बताया है बिल्कुल वही लीजिएगा। और आधा कटोरी दूध और एक चौथाई कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, मतलब एक कटोरी मैदा, उसका आधा दूध, आधा कटोरी चीनी और 1/4 रिफाइंड। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, एक बाउल लेना है, उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड और चीनी जो मैंने आधा कटोरी लिया है उसका मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीस करके। तो आप भी पाउडर मत लीजिए, पहले चीनी का मेज़रमेंट कीजिए, उसको मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लीजिए। और इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से फेंटना है, आपको इतना फेंटना है कि वो जैसे लगता है ना, किसी भी चीज़ को आप पहले फेंटते हो तो पहले हैवी लगता है और फेंटते फेंटते वो भारी फील, हल्का फील कराता है। तो बस जब ये हल्का लगने लग जाए तब तक आपको इसे फेंटना है। और इसमें आपको एक चम्मच मैंने इसमें एसेंस डाला है, तो आप एक चम्मच इसमें एसेंस डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे दूध मैंने आधा कटोरी लिया है तो अभी इसमें पूरा दूध नहीं डालेगा, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके उसको मिक्स करते जाइए। और मिक्स करने में आपको क्या लगेगा, जैसे रिफाइन या घी जो भी आपने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो रिफाइन अलग दिखेगा, दूध अलग हो जाएगा। तो इतना मिक्स करना है कि अच्छा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। मिक्स करते करते थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एक एक चम्मच दूध डालना है और उसको मिक्स करना है, एक एक चम्मच दूध डालना है और उसको फेंटते रहना है। तो रिफाइन और दूध दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और पूरा दूध आप देख सकते हैं कि पूरा दूध मैं नहीं डाल रही हूँ, और पूरा दूध इसमें अभी लगेगा भी नहीं, बस क्रीमी फॉर्म में लाना है और फेंटना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है इसे। देखिए कैसा ये क्रीमी फॉर्म बन गया ना, ना दूध अलग दिखाई दे रहा है ना रिफाइन, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। और मेरा आधा से ज़्यादा दूध बच गया है अभी, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ मैदा एक कटोरी, और इसमें एक चम्मच मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, ध्यान दीजिएगा बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं, पाउडर एक चम्मच डालना है। और आधा चम्मच डालना है बेकिंग सोडा, क्योंकि अगर सोडा अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर ये थोड़ा सा कड़वापन का टेस्ट आ जाता है। बेकिंग सोडा आपको आधा चम्मच डालना है और बेकिंग पाउडर आपको एक चम्मच डालना है। और इन तीनों को अच्छी तरीके से छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें बबल्स ना, गांठ ना बन जाए इसलिए। और इसको मिक्स कीजिए, और जो दूध आपका बच गया था ना कटोरी में, वो दूध थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मिक्स करिए। ध्यान रखिएगा अभी इसको मिक्स करना है, मिलाना है, फेंटना नहीं है, ठीक है। जब आप मैदा इसमें डाल देते हो ना, फिर आपको इसको फ्लफी नहीं बनाना है, इसको फेंटना नहीं है, नहीं तो ये फूलेगा नहीं, राइज नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के बस ऐसे ही मिक्स कर देना है, बिल्कुल मत फेंटिएगा इसको। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गांठ ना पड़े, कि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, जैसे मैंने चीनी और रिफाइन को फेंटा था, इसको फेंटना नहीं है, बस इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो चलिए ये बैटर मेरा बन गया है और दूध उसमें सारा यूज हो जाएगा, जो मेजरमेंट है ना पूरा दूध यूज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ब्राउन कलर लाने के लिए मेरे पास यहाँ पर टॉफ़ी थी, मेरे पास कोको पाउडर नहीं था और ना ही मेरे पास कॉफ़ी थी। तो अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आप कोको पाउडर डाल सकते हैं, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी डाल सकते हैं। अगर वो दोनों चीज़ें में से कुछ भी नहीं है तो मेरे पास टॉफ़ी था, उसे मैंने कटोरे को गर्म करके पिघला लिया है।
अब इस बैटर को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, हाफ हाफ कर लेना है, हाफ वाइट रहने देना है और हाफ में आपको कॉफ़ी या कोको पाउडर या फिर मैंने टॉफ़ी जो पिघलाया है वो मिक्स करूँगी। मेरे पास यही है, कॉफ़ी हो तो भी अच्छा है, कोको पाउडर हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो ये भी अच्छा है। तो मैं इसी को मिक्स कर रही हूँ, दो जगह मैंने बैटर को कर लिया है और उसको भी फेंटना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैदा मिलाने के बाद आपको फेंटना नहीं है बैटर को बिल्कुल भी। तो चलिए मेरा वो ब्राउन कलर तैयार हो गया है और अब हम लोग केक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसको करना कैसे है, कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक रखना है, ऐसा रखना है कि ईजिली निकल जाए बस। तो चलिए इस बर्तन में मैं केक बनाने वाली हूँ। मेरे पास, अगर आप लोगों के पास, मैं बता देती हूँ, बटर पेपर नहीं है तो एक कॉपी का सिंपल पेज लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा रिफाइंड वाला घी लगा दीजिए और इस तरीके से आप उसको फैला दीजिए तो ये आपका बटर पेपर का ही काम करेगा, इसमें केक नहीं चिपकेगा। या फिर आप अंदर बर्तन में रिफाइंड लगा के उसके ऊपर आटा भी छिड़क सकते हैं, गेहूँ का आटा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट लेयर डाल रही हूँ, 2 चम्मच के करीब डाला है, उसको टैप टैप करके थोड़ा सा फैला दीजिए। फिर उसके ऊपर से हम लोग डालेंगे ये ब्राउन कलर जो बनाया है, आप कोई भी कलर बना सकते हैं, अगर आपके पास फूड कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ब्राउन कलर डालने के बाद फिर से इसको टैप कर देंगे इस तरीके से हल्का सा और फिर इसके ऊपर हम लोग डालेंगे वाइट कलर। तो ऐसे ही वाइट ब्राउन डालते जाइए, एक एक चम्मच, और ये बैटर फैलता जाता है इस तरीके से, वाइट के बाद फिर से ब्राउन। इसीलिए मैंने बोला था हाफ हाफ करने के लिए, क्योंकि दोनों कलर डलता है। देखिए तो इस तरीके से ही आपको फैलाते जाना है, डालते जाना है। तो फाइनली करते करते ना ये ऐसा हो गया था। चलिए, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है, एक टूथपिक लेना है, टूथपिक ले लीजिए या फिर चम्मच ले लीजिए, चम्मच से भी हो जाएगा। इसको इस तरीके से बाहर की साइड से अंदर ले जाना है सेंटर तक। तो आप इसमें कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पहले जस्ट साम ऑपोजिट कीजिए, ये 4 पार्टीशन हो गए। अब आपको जितनी मर्जी बीच बीच से करनी है कर दीजिए, बहुत ही जितनी ज़्यादा कि आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वैसा कर लीजिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनती है, देखिए, और देखने में बहुत अच्छी लगती है और जस्ट इसी तरीके से बेक हो जाता है। तो चलिए हम लोग केक जो बनाने वाले हैं वो भगोने में बनाने वाले हैं, जिसमें दूध बॉयल करते हैं। तो ये मैंने चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख रही हूँ जिसे 2-3 इंच का गैप रहे, और उसके अंदर मैंने टिन को रख दिया है और उसको अच्छी तरीके से एक थाली से मैंने कवर कर दिया है 30 से 45 मिनट तक के लिए। 30 घंटे के बाद ही अब मैं, और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि छोटे वाले बर्नर पर बनाइए ताकि बीच में ही थोड़ा सा लगे, बीच से पके, साइड से जले नहीं। और देखिए 45 मिनट के बाद मेरा केक बन करके तैयार हो गया था। तो निकाला, उसके बाद मैं टूथपिक लगा के देख रही हूँ कि चिपकता है या नहीं, तो बिल्कुल साफ़ निकला है टूथपिक। इसका मतलब है कि केक मेरा रेडी हो चुका है और किनारे से भी इसने अपनी जगह छोड़ दी है। तो चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं। केक तो बन गई है और जैसा डिज़ाइन बनाया था जस्ट उसी तरीके से बेक हो गया है। आप चाहे तो बहुत तरीके का डिज़ाइन उस पर बना सकते हैं टूथपिक के हेल्प से। तो ये केक मैंने निकाल लिया है और इसको क्या करना है, चारों साइड से सबसे पहले ठंडे हो जाए उसके बाद आप केक को पलटिए, नहीं तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, अब मैं चारों साइड से इसके किनारे थोड़ा सा हटा ले रही हूँ और उसके बाद एक जाली की हेल्प से, या फिर आप एक प्लेट ले लीजिए और इसके ऊपर रख करके आप उसको पलट लीजिए, तो ये बिल्कुल ही निकल आता है, बिल्कुल ही नहीं टूटता है। इस तरीके से मैंने जाली रख लिया है और इसको पलट दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा मैं ठोक पीट रही हूँ इसको ताकि इजिली निकल जाए। तो देखिए केक मेरा निकल गया है और ये पेपर लगा हुआ है तो इस पेपर को अभी हम निकाल देंगे। देखिए पेपर आसानी से निकल जाता है, तो पेपर मैंने निकाल दिया है, केक आपका बर्तन में चिपकेगा भी नहीं पेपर की वजह से। और आप इसको, आप जिस प्लेट में आपको रखना है या डेकोरेट करना है तो आप उसमें निकाल सकते हैं। देखिए मेरा केक बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही
लगाना है ये, हटो थक चुकी हूँ मैं। हाँ नीटो देखा कितना काम किया मैंने, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, करती रहती हूँ। और मैंने अकेले काम किया और छोटे बच्चे ने भी काम किया है ना, मेरा बेड बिछाड़े। ठीक है आपका बेड बिछाड़े तो, और आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा ढंग से, और मेरे छोटे भाई ने ये रूम समेटा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, अब मन कर रहा है बस बैठ जाओ सो जाओ। अभी आधा घंटा है नहीं 20 मिनट्स है, अब हमने सब कुछ समझ दिया और हम डेकोरेट करेंगे बालों से। ओके, और छोटे भाई ने भी मेरी हेल्प करवाई थी। आइए और हम देखते हैं और हम क्या करते हैं आगे। ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब डेकोरेट हो चुका है और अब सिर्फ 5 मिनट है 12 बजने में, बस केक लाना है और वो करना है। और ये सब मैंने खुद अकेले किया है, ये मैं समझने समझ साथ की है। सिर्फ दादू ने बैलून फुलाए थे और मैंने लगाए थे, जानते हो आप तो मेरे चाचू भालू है, तो देखते रहिए आगे। और मैंने और मेरे साथ में भाई ने भी किए, छोटे भाई और बड़े भाई ने भी। और दादू और हम अब केक ले आ चुके हैं, अब सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, हम अब चॉकलेट्स ले लें। और दो कबूतर चॉकलेट ऐसे पड़ा वो भाई, ये किसने पिला दिया है आजाद, ये सब मेरा आइडिया था। देख रहे होंगे सब अंधेरा हो चुका है, बस चाची आ चुकी है, 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले अब उनको। चाची आओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दियो चाची, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा आपको सब? कैसा लगा चाची? चाची कैसा लगा? अरे चाची बर्थडे कितने सारे बोले, था मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फर्स्ट टाइम मैंने केक काटा और
इन बच्चों ने और इन लोगों ने, मम्मी ने और इन्होंने मिल करके बर्थडे को स्पेशल बना दिया। और कान्हा तो और भी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, वो तो बस उसको बस पार्टी के नाम से ही खुशी हो जाती। देख लीजिए कैसे ट्रॉफी सारा कलेक्ट कर रहा है, वो और कुछ नहीं चाहिए उसको, केक वगैरह नहीं चाहिए, बस उसको ट्रॉफी चाहिए होता है। तो सारी ट्रॉफियाँ इसने कलेक्ट कर ली हैं। और चलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारा कुछ इन लोगों ने ही किया है, मैं नहीं थी यहाँ पर, सारा कुछ इन लोगों ने ही किया है। बैलून वगैरह लाया, मुझे पता भी नहीं था कि बैलून वगैरह भी लाए हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस चीज़ का। अभी का तो ख़त्म है, कल मैं तैयार होकर के बहुत सारे पिक्स खिंचवाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बताना कमेंट करके कैसा है। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। और कल जो पिक खिंचवाऊंगी वो मैं लास्ट में ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग देखना और कमेंट करके बताना कि मेरा पिक कैसा है और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा। छोटा था बट बहुत अच्छा था और बहुत ही स्पेशल था हम लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज मेरा बर्थडे है, तो रात में हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और अभी पता नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो बस ऐसे ही मैंने कपड़े पहन लिए नए नए। बस क्या होता है ना, जब किसी भी चीज़ की छोटी छोटी खुशी अगर सेलिब्रेट करनी हो तो आप तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन लो, सब कुछ पहन लो, तो लगता है कि हाँ चलो सेलिब्रेट कर लिया। तो वही मेरे साथ होता है। तो